हेलो फ्रेंड्स हम लोग द सेलिम फीचर ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एम लक्ष्मीकांत का थर्ड चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग फर्स्ट वीडियो में जो कि हम लोग फर्स्ट पार्ट उसको बोलेंगे फर्स्ट पार्ट में सिक्स सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीट कर लिया अब इस वीडियो में हम लोग सेवन सैलेंट फीचर ऑफ़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करेंगे तो दोस्तों सेवन सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंटीग्रेटेड मतलब क्या है दोस्तों एक दूसरे से कनेक्टेड हैरार की बे में दोस्तों सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट उसके बाद हाईकोर्ट सभी स्टेट में एक हाईकोर्ट दो या तीन स्टेट के लिए भी हो सकता है और उसके बाद है दोस्तों हिरारकी ऑफ़ सबोर्डिनेट कोर्ट दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट फॉर एग्जाम्पल अगर बिहार में देखें तो बिहार में हाई कोर्ट है दोस्तों फिर सभी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कहीं कहीं पे, ज़्यादातर जगह पे ऐसे है दोस्तों कि सब डिवीज़न एरिया में भी सबोर्डिनेट कोर्ट रहती है उपलब्ध आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों द कंस्टिट्यूशन हैज़ मेड वेरियस प्रोविजन टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जजेज जजेस का कंप्लीट इंडिपेंडेंस होता है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन श्योर sure करता है तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों सिक्योरिटी ऑफ टेनर टेनर एक कंप्लीट टेनअर फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट के जजेस को 62 ईयर सुप्रीम कोर्ट के जजों के जजेज को 65 ईयर ऐसे दिया जाता है फिक्स सर्विस कंडीशन एक फिक्स सर्विस कंडीशन होता है दोस्तों आगे क्या है दोस्तों प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन कंडक्ट ऑफ जजेज इन लेजिस्लेचर लोकसभा या राज्यसभा में या विधानसभा या विधान परिषद में उनका कंडक्ट हम लोग डिस्कस लीडर लोग जो चुन के जाते हैं वो डिस्कस नहीं कर सकते हैं बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट आफ्टर रिटायरमेंट वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं कंटेम्प्ट कोर्ट और अगर आप कंटेम्प्ट कोर्ट कीजिएगा तो आपको पनिश कर सकती है कोर्ट और फिर लास्ट पॉइंट है दोस्तों जो कि आर्टिकल फिफ्टी में मैंसन है डी का सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये रहा दोस्तों आगे हम लोग जानेंगे आठवा सेलेंट फीचर आठवां सेलेंट फीचर है दोस्तों फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिक्स मेन फंडामेंटल राइट है दोस्तों वो है इस वो इस प्रकार है राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल फोर्टीन टू एटीन में आता है अगला है दोस्तों राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल नाइनटीन टू ट्वेंटी टू में आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन जो कि आर्टिकल ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फोर बात करती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी एट में आता है कल्चर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो कि आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी में है राइट टू कंस्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल थर्टी टू में है दोस्तों इस राइट टू कंस्टिट्यूशनल रेमेडी को बी आर अम्बेडकर बोले थे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों कि फंडामेंटल राइट right क्या प्रमोट करता है फंडामेंटल राइट प्रमोट आइडिया ऑफ पोलिटिकल डेमोक्रेसी अगला सेलियंट फीचर है दोस्तों नाइन्थ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि पार्ट फोर में है इट प्रमोट आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इसमें आर्टिकल थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन तक आता है दोस्तों इसमें आर्टिकल थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन तक आते हैं दे कैन वी क्लासीफाई इन थ्री ब्रॉड कैटेगरी ऐसे तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्लासीफाई नहीं करती है तीन में लेकिन हम हम समझने के लिए हमारे पॉलिटिकल थिंकर या जो भी हो उन्होंने क्लासिफाई कर दिया थ्री कैटेगरी में सोशलिस्ट गांधीन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल सोशलिस्ट गांधीन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर नॉट इन नॉट इन्फोसिबल बाय कोर्ट फॉर देयर वायलेशन अगर जस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल को वायलेट करती है कोई करता है कोई तो जस्टिसेबल नहीं है इनफोर्सिबल इन कोर्ट नहीं है लेकिन फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल एंड इन्फोर्सेबल बहुत है दोस्तों अगला पॉइंट जानेंगे दोस्त अगला सैलेंट फीचर है दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि ऐड किया गया था फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी सिक्स के तहत कौन सा कमेटी इस रिकमेंड की थी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था लाइक डी पी एस पी डायरेक्टिव प्रिंसिस्ट पॉलिसी द ड्यूटीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर अगला सेलेंट फीचर क्या है दोस्तों सेकुलर स्टेट्स अल्दाव ऐड किया गया था फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में दोस्तों लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फॉलो करता था पहले से ही आफ्टर इंडिपेंडेंस से ही वो जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी एट ए रिलीजियस इंडिपेंडेंस की बात करते हैं दोस्तों जो कि हम लोग ने पढ़ा तो द बेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को नोट्स ए कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन दैट इज चर्च एंड स्टेट दैट इज पॉलिटिक्स वेस्टर्न कंसेप्ट और इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म बहुत डिफरेंस है दोस्तों वेस्टर्न सेक्युलरिज्म कहती है कि देयर शुड भी कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन दैट इज चर्च एंड स्टेट दैट इज़ पॉलिटिक्स दिस इज कंसिडर एज ए निगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म बट इंडियन ज दॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्लरिज्म दैट इज गिविंग टू और मतलब सभी रिलीजन को इक्वल किया जाएगा और सभी रिलीजन को प्रोटेक्ट किया जाएगा अगला पॉइंट है दोस्तों अगला फीचर है साइलेंट फीचरसलि एडल्ट फ्रेंचाइज एवरी हैज ए राइट टू वोट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट रेस लिटरेसी दोस्तों कोई भी जो इंडिया का हो वो 18 साल पूरा हो तो वोट दे सकते जिस बैकग्राउंड से जा वो जिस, जिस कास्ट से या जिस रिलीजन से बिलोंग करें दोस्तों ऐसे तो वोटिंग एज पहले थी 21 लेकिन वोटिंग एज रिड्यूस टू 18 फ्रॉम 21 इन 1989 एटी में वोटिंग एज कम कर दिया गया राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू सिक्सटी फर्स्ट कंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइन्टीन ये दोस्तों याद रखना बहुत ज़रूरी है बहुत सा एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अमेंडमेंट के तहत वोटिंग एज 21 से 18 कर दिया गया तो ये सिक्सटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 एट के तहत किया गया दोस्तों दोस्तों आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट पार्ट थ्री में पढ़ेंगे हम लोग दो पार्ट पार्ट वन जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए और एक पार्ट टू का वीडियो ए पढ़ लिए दोस्तों अगला में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थैंक यू दोस्तों